A boy allegedly killed his parents for not allowing him to play Kabaddi in Thane area of Maharashtra. The accused, Sagar, works as helper in a company in Thane. When Sagar and his brother returned back home after playing Kabaddi, which was organised in the village, they had an argument with their mother. During the argument, Sagar attacked his stepmother and killed her. Sagar Dinkar, ये लड़के ने अपनी सौतेली माँ और अपने पिताजी का चाकू और पत्थर का जो मिर्ची पीसने का जो पत्थर रहता है वो मार के उन दोनों की हत्या की है. हत्या की वजह उन लोगों दोनों में बहुत दिनों से झगड़ा चालू था, झगड़ा हो रहा था और आज उसने ये कांड किया है. ये लड़का एक कंपनी में हेल्पर का काम करता है. ये सुबह 4:30 बजे के करीब हुई है. सर, इस पे कौन सा कलम लगाया गया और वहाँ से कौन कौन से हथियार बरामद किए गए जिससे उसने हत्या? इसमें 302 मर्डर का सेक्शन लगाया है और जो मिर्ची पीसने का जो पत्थर है वो बरामद किया है और जो चाकू है वो भी आरोपी से हम लोग बरामद कर रहे हैं. अभी ताबे में है, अभी प्रोसीजर चालू है. सर, आरोपी के कितना सिखा हुआ है और उसने कुछ बताया है क्या कि वो उसको मारा और कैसे मारा है? अभी तक तफ्तीश चालू है, इंक्वायरी के बाद में वो पता चलेगा इसका असली वजह क्या है. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हमारे इधर एरिया में और फर्स्ट टाइम हमारे एरिया में भी ऐसा पहली बार हुआ है और गाँव में भी फर्स्ट टाइम हो गया है. क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? अपने मम्मी पापा को अपने बेटे ने मारा. अच्छा, क्या नाम है मम्मी पापा का? मम्मी का नाम उसके लता दिनकर. हाँ. और पापा का नाम सुरेश दिनकर. और बेटे का नाम क्या? बेटे का नाम है सागर दिनकर. काय की वजह से हत्या किया, कुछ पता है? उनका पर्सनल घर कुछ घर का प्रॉब्लम था, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में. कितने बजे आपको पता चला ये? हम लोग को सुबह 4:30 बजे ये उसका मतलब 4:30 बजे उसका कुछ जो से आवाज आया तभी हम लोग को पता चला. अच्छा, तो आपने क्या देखा वहाँ जाने के बाद? उधर जाने के बाद देखा क्या, उसका मम्मी पापा मर गए थे, मतलब उनका मर्डर किया था उसने. हाँ. किससे किया था वो मालूम नहीं था हमको. अच्छा, मतलब तो सागर का जो बच्चे का नाम क्या जिसने मर्डर किया उसका? जिसका उसका नाम है सागर दिनकर. तो पुलिस यहाँ आई थी? पुलिस सुबह इधर आई थी, उसने खुद ने बोला कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ. उसके इधर भागा भीगा नहीं और पुलिस ने भी उनको कुछ पकड़ा नहीं, ऐसा बोले. पुलिस बोले कि हम लोग कुछ पकड़ रहे हैं ऐसा भी नहीं है, उसने खुद ने सरेंडर किया. द पुलिस अराइव्ड एट द स्पॉट एंड अरेस्टेड द कल्प्रिट. कॉरेस्पॉन्डेंट अशोक from Thane for ANI.